किंग्स इलेवन पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए मुकाबले में पंजाब ने दिल्ली की टीम को 14 रनों से हराया। बता दें कि पंजाब की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर्स में 9 विकेट पर 166 रन बनाए। वहीं जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 19.2 ओवर में 152 रन पर ऑल आउट हो गई। मैच के बाद किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि आप इस लक्ष्य का बहुत ज्यादा बार बचाव नहीं कर सकते, लेकिन आज हमने इस लक्ष्य का बचाव किया, इसलिए हम काफी खुश हैं। जब ऋषभ पंत ने छक्का लगाया तो मुझे लगा कि मैच हमारे पकड़ से बहुत दूर निकल गया है, इसलिए मैं इस जीत का श्रेय शमी और सैम कुरैन को दूंगा। उन दोनों खिलाड़ियों के दम पर ही हम इस मैच को जीतने में कामयाब रहे। रविचंद्रन अश्विन ने आगे अपने बयान में टीम के बल्लेबाजों को लेकर कहा, हालांकि मुझे फिर भी लगता है कि हमने 25 रन कम बनाए थे, क्योंकि मैच के दौरान ओस भी एक फैक्टर थी। हमने आज अपने स्पिनर्स का समर्थन किया और इसलिए इसे 3 स्पिनर्स के साथ आज हम उतरे थे। हम पहले बल्लेबाजी करना ही पसंद करते क्योंकि हमारे पास 3 स्पिनर थे। रविचंद्रन अश्विन ने आगे अपने बयान में कहा, क्रिस गेल आज हमारी टीम में नहीं थे, इसलिए हमने सैम कुरैन को लाइसेंस के साथ मौका दिया। हमारे पास बहुत सारे युवा और अनुभवी खिलाड़ी हैं। हम सभी को इस तरह मौका देना चाहते हैं और सभी को तरोताजा रखना चाहते हैं। अगर आप IPL के फैन हैं और IPL 2019 से जुड़ी हर लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको यहाँ पर IPL 2019 से जुड़ी हर खबर सबसे पहले मिलेगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।